हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो यहाँ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कुछ प्रॉब्लम जो कि J 2024 में मेंस के पेपर में पूछा गया फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैट। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रॉब्लम। C1 C2 आर द टू हॉलो कॉन्सेंट्रिक क्यूब्स, चार्जेस जो है उनमें एनक्लोज करके रखें 2Q and 3Q रिस्पेक्टिवली, द रेशो ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू C1 and C2। तो जो C1 क्यूब है उसने एनक्लोज किया है 2Q, और जो अपना C2 है स्टूडेंट्स उसने एनक्लोज किया है 3Q। लेकिन अगर आप पिक्चर में ध्यान से देखेंगे तो जो बड़े वाला है यानी कि जो C2 है, C2 ने 2Q को भी एनक्लोज करके रखा है। वी नो दैट द फ्लक्स फ्रॉम C1 को अगर मैं लिखता हूँ Φ C1 इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो इसने चार्ज एनक्लोज किया है 2Q, सो इट इज रिटन एज 2Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो दैट इज इक्वेशन 1। एंड जो दूसरे वाला है C2, उसने एनक्लोज करके रखा है 5Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। सो हमसे अब इसकी रेशो पूछी गई है, सो सिंपली हम रेशो निकाल सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा। सो अवर आंसर इज सिंपली 2/5। सो हमें जो ध्यान देना है कि बेसिकली इस C2 ने 3Q के साथ साथ इस पूरे क्यूब को भी एनक्लोज करके रखा है जिसमें 2Q है, तो इसलिए इसका 5Q बन गया। सो दिस इज द आंसर 2/5। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी J 2024 में ही पूछा गया। दो चार्जेस हैं Q1 Q2 और वैक्यूम में है, आर डिस्टेंस सेपरेशन पर है, एफ उनके बीच की फोर्स है। हमसे उनके बीच की फोर्स पूछी जा रही है जब उनमें डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट उनके मीडियम का के होगा और जो सेपरेशन है वो अब R/5 cm हो जाएगी। तो पहले हम जनरल एक्सप्रेशन लिख लेंगे स्टूडेंट्स फोर्स का, दैट इज एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 / R². सो दिस इज द फर्स्ट एक्सप्रेशन जब वो वैक्यूम के अंदर है और आर सेपरेशन पर है। देन वी नो दैट कि जब भी कोई मीडियम का कुछ डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता है सो जो फोर्स हो जाएगा दैट इज बेसिकली F' = F/K, दैट इज F/K, 1/K टाइम्स विल बी द फोर्स। बट नाउ डायलैक्ट्रिक के साथ साथ यहाँ पर जो सेपरेशन है वो R/5 है। सो हमारा जो एक्सप्रेशन बन जाएगा, ये मैंने जनरल लिख लिया, सो हमारा जो नया एक्सप्रेशन बनेगा F' का वो बन जाएगा K Q1 Q2 / dielectric constant × 1/R² है, बट यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो R/5 कर दिया गया है, सो इट इज R/5 का स्क्वायर। सो विल सॉल्व दैट। सो F' = और डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है 5 है, सो इट इज सिंपली K Q1 Q2 / K की जगह मैं 5 पुट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स × R² 5 का स्क्वायर 25 वो ऊपर चला जाएगा, सो इट इज 25 K Q1 Q2 / R². सो ये जो था पहले F था, हमें वैक्यूम की फोर्स की टर्म्स में ही एक्सप्रेशन को राइट करना है। सो F' = 5 times इट इज 25 5 5 5 5 K Q1 Q2 / R² और वी कैन से दैट इट इज इक्वल टू 5F। सो यहाँ डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट था मीडियम का, कुछ K था जिसकी वैल्यू 5 थी, उसके साथ साथ क्वेश्चन में डिस्टेंस भी चेंज किया था, तो इसका भी ध्यान रखना है। सो 5F ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं। टू चार्जेस Q and 3Q सेपरेटेड बाय आर सेपरेशन इन एयर एट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम क्यू, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो स्टूडेंट्स बेसिकली अपने पास दो चार्ज ले लेते हैं Q और 3Q, इनके बीच का जो सेपरेशन है वो क्वेश्चन में आर दिया गया है, सो द सेपरेशन बिटवीन टू इज आर, और दोनों ही पॉजिटिव चार्जेस हैं, सो ऑब्वियसली इनके बीच में कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो है। सो लाइक फॉर एग्जाम्पल ये वो पॉइंट है, पॉइंट उसको पी नाम देते हैं, पॉइंट पी पर लेट सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो बिकॉज इस क्यू की वजह से दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली 3Q की वजह से दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज ड्यू टू 3Q एंड दिस इज ड्यू टू क्यू, और क्वेश्चन में कहा गया है कि एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम चार्ज क्यू, सो वो जो पॉइंट है वो यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर है फ्रॉम चार्ज क्यू, सो एट दिस पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। सो बेसिकली यहाँ पर दोनों चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो इक्वल एंड अपोजिट होगी, तो हम कह सकते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जीरो है। सो हम दोनों चार्जेस की वजह से इस पॉइंट पे फील्ड निकालेंगे और उसको इक्वेट कर लेंगे। वी नो दैट कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला रहता है किसी पॉइंट चार्ज के लिए इट इज K Q / R². सो हम पहले इस क्यू के लिए निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, वो बन जाएगा K Q / X² एंड उसके बाद इसको हम इक्वेट कर देंगे फील्ड ड्यू टू 3Q, ये बन जाएगा K 3Q / distance² सो लाइक ये जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस रहेगा वो बेसिकली R - X हो जाएगा, सो इट इज R - X² सो K Q / X² = K 3Q / R - X². सो दिस इज द केस देयर। सो यहाँ K से K कैंसिल हो जाएगा, Q से Q भी कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, सो वी आर लेफ्ट विद लाइक यू नो इट इज
3x square इज इक्वल टू आर माइनस एक्स का स्क्वायर, इस तरह से हम इसे राइट कर सकते हैं. सो आफ्टर दैट यू नो इट इज लाइक बोथ साइड्स अगर हम स्क्वेयरिंग कर लेते हैं या अंडर रूट ले लेते हैं, सो इट इज लाइक रूट 3x इज इक्वल टू आर माइनस एक्स. सो यहाँ से हमें x की वैल्यू जो है वो मिल सकती है, हम बेसिकली x की वैल्यू ही ढूंढ रहे हैं. सो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा रूट 3x प्लस एक्स इज इक्वल टू आर, एंड आफ्टर दैट विल गेट द x. x को कॉमन ले लेते हैं, बच जाएगा रूट 3 प्लस 1 इज इक्वल टू आर. सो फ्रॉम हेयर वी कैन से दैट x इक्वल टू आर अपॉन रूट 3, ऑब्वियसली ये रूट 3 पर ही है, सो विल राइट इट एज x इक्वल टू आर अपॉन रूट 3 प्लस 1. सो दैट इज द आंसर, x इक्वल टू आर अपॉन रूट 3 प्लस 1. सो जो कि है ऑप्शन सी हमारे पास. सो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सिंपली आपने इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, दोनों की वजह से वो इक्वल एंड अपोजिट होगी पॉइंट पी पर और एक दूसरे को कैंसिल कर देगी. सो जस्ट इक्वेट दैम एंड डू सम मैथमेटिक्स देयर. x इक्वल टू आर अपॉन 1 प्लस रूट 3 प्लस 1 इज द आंसर. सो दिस इज द आंसर, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है. आगे चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ. ये भी जेई 2024 का ही प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रोस्टैट से ही पूछा गया है. सो वी हैव अ पार्टिकल ऑफ चार्ज माइनस क्यू, मास एम है, मूव कर रहा है एक सर्कल में, रेडियस आर है, अराउंड एन इनफिनिटली लॉन्ग लाइन चार्ज ऑफ लीनियर डेंसिटी प्लस लैम्डा, टाइम पीरियड विल बी गिवन एज. सो वी हैव सम लाइक इनफिनिटली लॉन्ग लाइन चार्ज हैविंग, जिसका जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा दे के रखा है. ओके, इस तरह से कुछ अपने पास एक लाइन चार्ज एलिमेंट है इनफिनिटली लॉन्ग. तो वी हैव अ पार्टिकल ऑफ चार्ज माइनस क्यू अराउंड इट, सो दैट पार्टिकल इज मूविंग. सो उसका टाइम पीरियड हमसे पूछा जा रहा है. तो स्टूडेंट्स जो टाइम पीरियड रहेगा उसका फॉर्मूला रहेगा 2πr, मान लीजिए रेडियस r में है, दिया है क्वेश्चन में रेडियस r में है, सो 2πr अपॉन वेलोसिटी. तो हमें इसके वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन लिखना है. नाउ इट इज मूविंग इन सम यू नो सर्कुलर पाथ, सो डेफिनेटली इट नीड्स सम सेंट्रिपिटल फोर्स. तो जो सेंट्रिपिटल फोर्स होती है दैट इज बेसिकली mv स्क्वायर अपॉन r. तो उसको जो है, ये बेसिकली चार्ज पार्टिकल है, इसको कूलम्स फोर्स जो है वो सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है. सो कूलम्स फोर्स क्या बनेगा, कूलम फोर्स रहता है F इज इक्वल टू क्यू इन टू ई. मैं पार्टिकल का चार्ज का मैग्नीट्यूड ही लिख रहा हूँ, क्यू ई इज द फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स, और दैट फोर्स इज प्रोवाइडिंग द एम वी स्क्वायर अपॉन आर, या बेसिकली दैट इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर. सो एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू क्यू, और इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ अ लाइन चार्ज इज बेसिकली लैम्डा अपॉन 2πε0r. इट इज लैम्डा अपॉन 2πε0r. ये एक इन्फिनाइट लाइन चार्ज की वजह से अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला रहता है. सो विल पुट दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2πε0r. सो यहाँ से r से r जो है स्टूडेंट्स वो कैंसिल हो जाएगा. सो वी विल सॉल्व दिस फॉर वेलोसिटी. सो वेलोसिटी स्क्वेयर इज q अपॉन 2πε0, और नीचे आ जाएगा हमारे पास मास, और वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो आ जाएगी अंडर रूट क्यू अपॉन 2πε0m. अगर हम चाहें तो उसको k की टर्म्स में लिख लेते हैं, क्योंकि एक्सप्रेशन में k दे के रखा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, उसकी टर्म्स में एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी राइट कर लेते हैं. सो वेलोसिटी कम्स आउट टू बी, देखिए ये q है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ और 2 से डिवाइड कर लेता हूँ. सो 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड भी करूँगा. सो ये बन जाएगा, नीचे बन जाएगा 4πε0m. सो वी नो दैट कि ये जो 1/4πε0 होता है उसको हम k बोल सकते हैं. सो मैं वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को लिख सकता हूँ 2q अपॉन, सो जस्ट वन मिनट, यहाँ पर एक लैम्डा भी था, सो आई विल जस्ट टेक इट, दिस लैम्डा इज ऑल्सो देयर. सो क्यू लैम्डा एंड इट इज लैम्डा यहाँ पर है, सो इट इज 2q लैम्डा, और दिस इज 1/4πε0 स्टूडेंट्स, इसको मैं k राइट कर सकता हूँ और नीचे रह जाएगा m. सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी. अब मुझे निकालना है टाइम पीरियड. सो टाइम पीरियड का फॉर्मूला रहेगा 2πr अपॉन वेलोसिटी. सो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से है, दैट इज बेसिकली ये फॉर्मूला है 2q लैम्डा के अपॉन m, ये रूट के अंदर है. सो दैट इज द आंसर फॉर द टाइम पीरियड. अब अपनी ऑप्शन से इसको मैच कर लेते हैं, इसको थोड़ा अरेंज करके लिख लेते हैं, दैट इज 2πr, और m जो है स्टूडेंट्स वो ऊपर चला जाएगा और आपके पास डिनोमिनेटर में बचेगा 2q λ into k m और 2πr. सो इट इज 2k λ³, जो भी है एक ही बात है, और m और 2πr. सो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है. सो इस तरह से आप इसे सिंपली सॉल्व कर सकते हैं. सो दिस इज द आंसर, दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चन जो कि इलेक्ट्रोस्टैट से जे 2024 में पूछे गए. थैंक यू.